जा रहे हैं, आने वाले समय में हम लोगों के लिए पेडिस्टेंस के लिए कोई जगह नहीं होगी और हमारा सिस्टम तो होता चला जाएगा। हमारे दिल्ली में जो 20 साल पहले हमारे जो एवरेज ट्रैफिक की स्पीड थी वो हमारे 20 किलोमीटर से ज़्यादा थी और आज की तारीख में हमारी एवरेज स्पीड 10 किलोमीटर तक रह गई है। तो इस वजह से हम लोगों का जो लाइफ लाइन है वो दैट इज कमिंग टू हॉल्ट अगर ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या ऐसी। तो ये सरकारी जो गाड़ी है उनका कितना कंट्रीब्यूशन है प्रॉब्लम को बढ़ाने? देखिए कि जिस प्रकार से पब्लिक पर्सनल कारें बढ़ रही हैं उस हिसाब से सरकारी कारें भी बढ़ रही हैं। तो सरकारी कारों में अगर हम केवल हमारा न्यू NDMC का नितिन शैली का अगर हम ऑफिस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो 25% एरिया को हमारी सरकारी कारों ने भी ऑक्यूपाई कर रखा है। तो अगर हम उसमें कोई एक टर्न की सोल्यूशन देते हैं या अगर हम उसमें कोई हम एक रेडियो टैक्सी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो हमारे को तकरीबन 180 करोड़ पर मंथ का खर्चा कम होगा जो सरकार पर होता है और 240 करोड़ का जो पार्किंग का अगर हम पार्किंग की कॉस्ट को अगर हम ध्यान में रखें तो हमारी सेविंग हो सकती है। तो सरकारी गाड़ियों का भी एक हमारे कंजेशन में काफ़ी ऐड कर रहे हैं। अल्टरनेट रास्ता क्या है? अल्टरनेट रास्ता है कि हम टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन डालें, हम रेडियो टैक्सी और नेटवर्किंग के साथ में जो हमारा इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम है हम उसको साथ में रखें। हमें जो ऑटो रिक्शा में जो हमारे ब्लैक एंड येलो कार्स हैं टैक्सीज हैं तो ये शुड ऑल्सो बी एडेड इनटू द रेडियो टैक्सी डिजी। तो इस प्रकार से अगर हम इसको टेक्नोलॉजी के साथ हम संभालेंगे तो हम जरूर कोई ना कोई अच्छा रास्ता निकालेंगे जिससे कि हमारी ये जो ऑटो रिक्शा और टैक्सी है ये हमारे मेन ट्रांसपोर्ट में एक सप्लीमेंट का काम करें। सरकारी गाड़ी मंत्री है नेता है ब्यूरोक्रेट क्या उनके लिए भी नहीं इसमें डेडिकेटेड कार या VVIP की कारों की संख्या शामिल नहीं है। ये केवल जूनियर और मिडिल मैनेजमेंट की ये जो स्टडी की गई थी CSC के द्वारा तो उसकी कुछ डेटा से मैं बात करूँ क्या उनको क्या रेडियो टैक्सी इस तरह से उनका लाभ है। रेडियो टैक्सी में ये ऐसा रहेगा कि जो रेडियो टैक्सी जैसे हमने कॉमनवेल्थ गेम्स में हमने एक फ्लीट ऑपरेशन किया था हम लोगों ने इन्वेंट्री बनाई थी डायनेमिक इन्वेंट्री। तो यानी कि जो आदमी जहाँ रहता है उसके आसपास हमारे पास गाड़ी पार्क रहती थी जिसको भी ज़रूरत रहती थी वो आदमी उस गाड़ियों की सेवाएं ले सकता था उस तक पहुँच सकती थी। और क्या होता है कि सरकारी गाड़ी में जो ऑफिशियल यूज है वो तो 15 से 20% ही है, 80% जो सरकारी गाड़ियाँ वो भी खड़ी रहती हैं। तो इट्स अ वेस्ट ऑफ सक्सेस। तो ये वाला जो वेटिंग टाइम है जिसमें कि वो पार्किंग ऑक्यूपाई कर रही हैं या जो कंजेशन क्रिएट कर रही हैं तो वो वाला हम इससे नए मॉडल से हम इसको डायनेमिकली हम स्पेस को कम कर सकते हैं, हम स्पेस को ग्रीन कवर कर सकते हैं और हम इसमें ज़्यादा एफिशिएंट सिस्टम ला सकते हैं। क्योंकि जो हमारे सरकारी ड्राइवर्स भी हैं और जो हमारा सरकारी मेंटेनेंस का जो पार्ट है अगर हम उसकी टोटल कैलकुलेशन देखें तो ये रेडियो टैक्सी से सरकारी कार की कॉस्ट 3 गुना अधिक होती है। तो अगर हम केवल जो VVIP है और जो हमारे सीनियर ऑफिशियल्स हैं या जो हमारे मंत्री हैं उनकी कारों को डेडिकेटेड रखें लेकिन जो दूसरी गाड़ियां हैं वो फुल सिस्टम पे रखें और वो वाली गाड़ियां हमारे थ्रू ITS अरेंजमेंट पे फ्लीट मैनेजमेंट के थ्रू हम सरकारी ऑफिसर्स को एलोकेट कर सकते हैं और वो गाड़ियां हमारे ऑफिस को जैसे भी जरूरत पड़ेगी वहीं पर कुछ ही मिनटों में वो सर्विसेज मुहैया करा सकते हैं। ITS जो है इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसके अंदर क्या रहता है कि हमारी सारी गाड़ियां और जो हमारी डिमांड यानी कि डिमांड और सप्लाई को हम बैलेंस करके रखते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी में कंट्रोल रूम रहता है, हमारे पास GPS इनेबल सिस्टम रहती है, हमारे पास कम्युनिकेशन के जो दूसरे साधन हैं वो सारे इंटीग्रेटेड फॉर्म में रह के जब आप डिमांड को और सप्लाई के साथ में मैनेज करते हैं सिंक्रोनाइज करते हैं तो हम लोगों के पास बेस्ट सेटिस्फेक्शन वाली हाई सर्विस लेवल वाली सर्विसेज मिल सकती हैं जो कि ITS के थ्रू हमें।
में आप